नियमित रूप से भगवान की पूजा करने से घर के सदस्यों को हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। सनातन धर्म में पेड़ पौधों का विशेष दर्जा प्राप्त है। कुछ पेड़ों पर कलावा बांधना शुभ होता है। हिंदू धर्म में पेड़ों को देवी देवता का वास माना जाता है। कुछ खास पेड़ पौधे की पूजा करने से गृह संबंधित दोष दूर होते हैं। कुछ पेड़ पौधे में कलावा बांधना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक से कि किन पेड़ों में कलावा बांधना शुभ माना जाता है और यह कलावा कब हमें बांधना चाहिए। आइए जानते हैं विस्तार से। नियमित रूप से भगवान का पूजन करने, भगवान का भजन करने और भगवान नाम का कीर्तन करने, भगवान नाम को जपने से हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त सनातन धर्म में वृक्षों के पूजन का भी बड़ा महत्व बताया गया। अलग अलग वृक्ष अलग अलग देवता से संबंधित रहते हैं, अलग अलग वृक्ष अलग अलग नवग्रह से संबंधित रहते हैं। कुछ वृक्षों में भगवान का वास माना गया है, कुछ वृक्षों को ऐसा माना गया है कि वे भगवान को अत्यंत प्रिय है, और कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनको हमने देवता भी माना है। जैसे तुलसी के वृक्ष को हम तुलसी माता कहते हैं, वह लक्ष्मी के स्वरूप है। और कुछ वृक्षों का पूजन करने से ग्रह संबंधित जो दोष हैं उन दोषों का निवारण होता है। धन प्राप्ति के लिए वृक्षों का पूजन किया जाता है, ग्रहों की शांति के लिए वृक्षों का पूजन किया जाता है। वृक्षों का जब हम पूजन करते हैं, उन वृक्षों का गंधार्थ से पूजन करते हैं, उन वृक्षों को कलावा भी बांधते हैं और उन वृक्षों की हम परिक्रमा भी लगाते हैं। ऐसे कुछ वृक्षों की हम यहाँ चर्चा करते हैं। जैसे पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष में ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का वास है, शनि का वास है, और पीपल का वृक्ष करने से पितृगण जो है वे प्रसन्न होते हैं। तो पीपल के वृक्ष को यदि हम कलावा बांधते हैं, उसका पूजन करते हैं, तो भगवान विष्णु की प्रीति प्राप्त होती है। परिक्रमा लगाने से शनि का दोष समाप्त तो होता है। और पीपल के वृक्ष की जड़ में यदि हम तिल और जल मिश्रित जल डालते हैं, तिल मिश्रित जल डालते हैं, तो पितृ प्रसन्न होते हैं। और पीपल की जो लकड़ी है उससे हवन करने से जो बृहस्पति ग्रह है, जो गुरु ग्रह है, वह प्रसन्न होता है। इसी प्रकार बरगद का वृक्ष या जिसको हम बट वृक्ष भी कहते हैं, इसका पूजन करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो बट सावित्री का व्रत हम जानते हैं, अभी ज्येष्ठ के महीने में था, इसमें माताएं बट के वृक्ष का पूजन करती हैं और कच्चे सूत को 108 बार लपेट करके 108 परिक्रमा लगाती हैं। ऐसा करने से उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी का वृक्ष है, इसमें लक्ष्मी जी का निवास माना गया है। तुलसी के वृक्ष का पूजन करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। तुलसी के वृक्ष में यदि सायंकाल यदि हम प्रतिदिन दीप लगाते हैं, तो हमारे घर में लक्ष्मी का हमेशा वास बना रहता है। शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष शनि से संबंधित माना गया है, और शनि के जो पत्ते हैं, शनि के जो पत्र होते हैं, वह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान शिव को शमी पत्र चढ़ाए जाते हैं और शमी का पूजन करने से शनि राहु केतु इत्यादि के दोष दूर होते हैं। इसी प्रकार आंवले का वृक्ष है, आंवले के वृक्ष में लक्ष्मी नारायण भगवान का वास माना जाता है। और अक्षय नवमी जो आंवला नवमी रहती है, उस दिन भी माताएं इसमें धागा बांधती हैं, परिक्रमा लगाती हैं, इससे भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रीति हमको प्राप्त होती है। केले के वृक्ष का पूजन करने से गुरु ग्रह प्रसन्न होते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं, हमारी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। और जिन कन्याओं का विवाह होने में किसी प्रकार की विघ्न आता है, यदि वे केले के वृक्ष की पूजन करती है, तो शीघ्र उनका विवाह सम्पन्न हो जाता है।